जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस नेता बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं, जहां जिला कांग्रेस कमेटी डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर के नेतृत्व में जिले के बारह द्वार थाने में एफआईआर दर्ज कराने कांग्रेस नेता विजय सूर्यवंशी, अनमोल अग्रवाल और दीपक चंद्रा समेत कई नेता पहुंचे और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी पर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसार धान विभाग के जाली लेटर हेड में फर्जी मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा की थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उन नेताओं के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। लोक जनता आज जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा के नेतृत्व में बाराद्वार थाना में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने नेताओं ने संदीप पात्रा सहित स्मृति ईरानी जी और जेपी नड्डा साहब से लेकर संतोष जी तक कांग्रेस को किस प्रकार से गलत फेक न्यूज के माध्यम से गलत जानकारी लोगों को देना और सांप्रदायिक हिंसा कराने के लिए आतुर होना, इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए इन लोगों के खिलाफ आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं समझता हूं ऐसे भारत में जब कोरोना संक्रमण काल में इस कदर देश में लोक जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है और भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्त हैं और इस प्रकार से गलत आर्गुमेंट करना, गलत कांग्रेस के खिलाफ बात करना और जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों की सेवा की है देश की आजादी से लेकर अब तक, कोरोना में कई कांग्रेस नेता हमारे शहीद हो गए लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के लोग कांग्रेस को बदनाम करने से कोई चूक नहीं कर रहे। फेक न्यूज बनाना, गलत दस्तावेज प्रमाणित डालना, इस प्रकार से बात करना, ऐसे सांप्रदायिक ताकत के बात करने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज प्रदेश भर में आज जिला मुख्यालय सहित तमाम ब्लॉक मुख्यालयों में थाना प्रभारी के बीच में जाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग सबक में आए और इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का वारंट हो, बस यही हम लोग मांग करते हैं।